आप सभी इंडियन हिस्ट्री के डार्क पीरियड से अनजान नहीं होंगे और शायद आपने अब तक अंदाजा भी लगा लिया होगा कि यहाँ हम बात इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए नेशनल इमरजेंसी की ही कर रहे हैं, विच टुक प्लेस ऑन 25 जून 1975 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 के तहत। इमरजेंसी लगवाने के पीछे का रीजन इंदिरा गांधी की सरकार ने ये दिया कि पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है, इसलिए क्योंकि अपोजिशन पार्टीज ने खुलेआम कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट चालू कर दिया है, ये क्लेम करते हुए कि कांग्रेस एक पूरी करप्ट पार्टी है। अब आप सोच भी रहे होंगे कि इमरजेंसी की बात हम इस वीडियो में क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दे कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अभी हाल ही में हुए एक डिस्कशन के दौरान इमरजेंसी के टॉपिक पर अपने व्यूज दिए हैं, और ये व्यूज इसलिए भी इतने इंटरेस्टिंग हैं क्योंकि एक समय पर वे खुद ही कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे और उसके एक सीनियर लीडर भी रह चुके हैं। हालांकि आपको सुनकर बेहद हैरानी होगी कि इस मामले में उन्होंने कांग्रेस पार्टी या अपोजिशन पार्टी को ब्लेम नहीं किया है बल्कि जुडिशरी पर ही निशाना साधा है। जी हाँ, आपने सही सुना। क्या है ये पूरा मामला और किस किस मौकों पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जुडिशरी की गलती बताई है, आगे देखते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही होगा, 1975 में लगाए गए नेशनल इमरजेंसी पर कई लोगों ने उंगलियां उठाई है और इसमें पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ इंडियन जूरिस्ट और सीनियर एडवोकेट फली नरीमन भी शामिल है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में इस इमरजेंसी को एक डार्क पीरियड ऑफ टाइम बताते हुए कहा है कि उस समय के सारे लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, स्टेटिंग वी कैन नेवर फॉरगेट June 25th। दिस इज द वेरी डे व्हेन इमरजेंसी वॉज इम्पोज ऑन आर कंट्री। इट वॉज अ डार्क पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। Lacks of people opposed the emergency with full might. और वही फली नरीमन ने कहा है, We have veiled emergency and judges often lack spine. जैसा कि आप सभी को मालूम है, एक इमरजेंसी के समय सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं और यही June 25, 1975 से लेकर March 21, 1977 तक देखने को मिला था, where several citizens of the country could not protect their liberties under Article 21 and 226 of the Indian Constitution. इस पॉइंट को हाईलाइट करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा है, भले उस टाइम लोग अरेस्ट हो रहे थे और उनकी ट्रायल चल रही थी, पर असल में उस समय ट्रायल पर कोर्ट्स थे। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या हुआ था कि सिब्बल ये कहने पर मजबूर हो गए थे, तो आपको ध्यान होगा कि नेशनल इमरजेंसी के उस डार्क पीरियड में एक केस सामने आया था जिसे आज लोग ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस के नाम से भी जानते हैं और जिसे सुप्रीम कोर्ट के हिस्ट्री में एक दाग से भी रिफर किया जाता है। इस केस को इतनी क्रिटिसिज्म इसलिए भी मिली थी क्योंकि इसने इंडिविजुअल लिबर्टी और फंडामेंटल राइट्स को फोर्से किया था इन फेवर ऑफ द स्टेट। ये केस पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट गया था, विच डिक्लेयर्ड द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते इस केस ने अपना फैसला ही पलट दिया था। एक 5-judge bench ने 4:1 की रेशियो से इस मामले में स्टेट की फेवर में जजमेंट दिया था, स्टेटिंग इन द पीरियड ऑफ पब्लिक एप्रीहेंशन द लॉ विच गिव्स एवरी पर्सन सिक्योरिटी हैज टू गिव वे टू द स्टेट्स इंटरेस्ट। दे ऑल्सो स्टेटेड दैट पर्सनल लिबर्टी इज द गिफ्ट ऑफ लॉ। इस केस में सिर्फ जस्टिस HR खन्ना ने डिसेंट दी थी और इस जजमेंट से अग्री नहीं किया था। हालांकि इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ आवाज उठाना जस्टिस खन्ना को बहुत महंगा पड़ा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होने के बावजूद उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया था, जिसके कुछ समय बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिजाइन भी कर दिया था। और इसी पॉइंट को बस सीनियर एडवोकेट सिब्बल हाईलाइट करना चाहते हैं, ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट इमरजेंसी के समय ट्रायल पर थी और उस समय उसने गलत फैसला लिया था। हालांकि सिब्बल ने इस बात पर भी जोर दिया है कि आज के समय में भी एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है और आए दिन सुप्रीम कोर्ट गलत फैसले ले रही है, स्टेटिंग दैट व्हाट वी आर विटनेसिंग टुडे इज एन अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी वेयर विदाउट सस्पेंडिंग आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस आर बीइंग ट्रांसग्रेस्ड विद इम्प्यूनिटी थ्रू द मिसयूज ऑफ द लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि आए दिन देश में कुछ भी चल रहा है और लोग अरेस्ट होते दिख रहे हैं, वो भी बहुत छोटी छोटी बातों पर, बस इसलिए क्योंकि उन्होंने करंट गवर्नमेंट और उसके पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठाई थी। सिबिल स्टेटेड, नो वन कैन बी ऑब्लिवियस टू द रियलिटी दैट देयर हैज बीन हार्डली एनी ओकेजन सिंस 2014 व्हेन पब्लिक सर्वेंट्स इन अ स्टेट वेयर द बीजेपी और इट्स एलाइज आर इन पावर आर प्रोसीडेड अगेंस्ट विद द सेम अलाक्रिटी zeal and tenacity as is apparent in proceedings against other public servants. यहाँ भले सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, पर उसी के साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि गवर्नमेंट या लॉस को कंट्रोल करने में
कोर्ट्स कुछ नहीं कर रही है और ये जुडिशरी के पार्ट पर एक बहुत बड़ा फेलियर है। किसी केस का तो नाम सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने नहीं लिया, बट उनके रेफरेंसेस से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस केस की बात कर रहे थे। अब जैसे कि ही स्टेटेड, हाउ डज अ जज जस्टिफाई एडमिटिंग एविडेंस स्टेटमेंट्स मेड टू अ पुलिस ऑफिसर एंड यूजिंग दीज टू कन्विक्ट द अक्यूज्ड। स्टूडेंट्स आर लैंग्विशिंग इन जेल अंडर ड्रैकोनियन प्रोविजंस ऑफ लॉ merely because they chose to stand up and be counted opposing the government and its policies. यह बात बहुत साफ है कि वे former JNU student उमर खालिद की बात कर रहे हैं जिन्हें वे सुप्रीम कोर्ट में आए दिन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पिछले 3 सालों से खालिद जेल में कैद है और अभी तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल हियरिंग भी नहीं सुनी है। और आप सुनकर काफी हैरान होंगे कि उनकी बेल प्ली को अब तक 8 बार सुप्रीम कोर्ट ने अर्जन किया है। जैसा कि आपको पता ही है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के कई प्रोविजंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया है और कोर्ट जल्द ही इसमें सुनवाई शुरू करेगी। इसी के साथ सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सेंसिटिव केसेस के ट्रांसफर पर भी कोर्ट्स को क्वेश्चन किया है और कैसे आए दिन जजमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए केसेस को ट्रांसफर कर दिया गया है। सिब्बल स्टेटेड, आई डू नॉट विश टू क्वेश्चन द राइट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और ऑफ अ हाई कोर्ट टू एक्सरसाइज देयर डिस्क्रिशन इन द मैनर दे सो विश, बट देयर इज एन एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस दैट द बेंच व्हिच इश्यूज नोटिस इन द मैटर शुड हियर द मैटर till fruition unless the judge concerned retires in the meantime or accuses himself. हालांकि सिब्बल ने इस बात पर भी जोर दिया कि ऐसा नहीं है कि उन्हें उम्मीद नहीं कि जुडिशरी अपने एक्शन सुधार नहीं सकती है या उनका ध्यान इन सब बातों पर नहीं जा रहा है। He stated, I am sure that the judiciary of which the legal fraternity is an integral part is committed to upholding the rule of law. I have no doubt that judges wish to see our democratic institutions flourish and work independently. पर ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि 2014 के बाद से जुडिशरी बहुत इजी गोइंग हो गई है और आए दिन उन पब्लिक ऑफिसर्स के खिलाफ मामले में सुस्ती दिखाती है जो बीजेपी से रिलेटेड है, और वही केसेस एक मंथ में भी सॉल्व हो जाते हैं जहां अपोजिशन इन्वॉल्व रहती है। जुडिशरी को इस मामले में सुधार लाना होगा कहते हुए सिबिल स्टेटेड, दीस डेज द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ आर डेमोक्रेसी are emasculated day in and day out. In the most crucial of moments, courts are silent. In a state of undeclared emergency, those prosecuted are not on trial, courts are. अब देखना ये होगा कि आए दिन CJI चंद्रचूर के अंडर जुडिशरी में कुछ चेंजेस देखने मिलेंगे या फिर ऐसे ही यूनियन से इन्फ्लुएंस होते हुए कोर्ट्स फैसले लेते रहेंगे। आपकी इस मामले में क्या राय है? Until then, stay tuned with Law Chakra.